प्रदेश के महोबा जनपद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूली छात्र छात्राओं को पुस्तक बांटी गई। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर कार्यकारिणी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में विद्यार्थी परिषद की नगर कार्यकारिणी द्वारा प्राथमिक विद्यालय में पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर मंत्री अर्पित चौरसिया ने बच्चों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छात्रों द्वारा देश के प्रति दिए जाने वाले योगदान से देश का भविष्य उज्जवल होता है। आपको बता दें कि जनपद महोबा के हमीरपुर चुंगी स्थित प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थी परिषद द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। महोबा से संवाददाता इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, विद्यार्थी परिषद अनेक कार्यक्रम करता है। इसी क्रम में आज विद्यार्थी परिषद में जो युवा दिवस के चल रहे हैं, सातवें पखवाड़े के दिन विद्यार्थी परिषद के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा छोटे छोटे गरीब बच्चों को विद्यालय में जाकर पुस्तकें वितरण की गई। इसी तरह और उनको उज्जवल भविष्य की उनकी कामना की। और ऐसे ही हम लोग विद्यार्थी परिषद की तरफ से सभी कार्यकर्ता गरीब बच्चों को कुछ ना कुछ वितरण करते रहेंगे। हम ये सोचते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं उनको किसी मतलब कि सर्दियों में जो बस दस्त होते हैं उनको वितरण किया जाए, और फलल ऐसे, और जो बच्चों को पढ़ाई में जो अनेक समस्याएं होती उनकी कठिनाइयों को सॉल्व किया जाए। ऐसी हम लोग बच्चों के तहत जाके उनकी जानकारी लेके और कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहेंगे।